आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्लावर। फ्लावर जो है वो प्लांट का अट्रैक्टिव पार्ट है। वो कौन सा है? फ्लावर। फ्लावर आर द मोस्ट कलरफुल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। मीन्स जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। वो कलरफुल की वजह से हमारा जो प्लांट है वो कैसा लगता है? अट्रैक्टिव लगता है। दे कम्स इन डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर्स। वो जो फ्लावर्स होते हो उसका कलर कैसा होता है? डिफरेंट साइज, शेप भी अलग होता है और कलर्स भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोज के देखेंगे तो उसमें बहुत कलर है, रेड है, पिंक है, येलो, लाइट पिंक। दे एड ब्यूटी टू नेचर। जो हमारा एनवायरनमेंट है या नेचर है उसमें ब्यूटी ऐड करता है वो कौन? फ्लावर। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। लेट्स एक्सप्लोर द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर्स डेवलप फ्रॉम बर्ड। बर्ड क्या डेवलप करता है? फ्लावर, और प्रोटेक्ट भी करता है फ्लावर को। फ्लावर ओपन होने से पहले एक बर्ड था, वो क्या करता है? ये बर्ड फ्लावर डेवलप करता है। दे आर अटैच टू द प्लांट विद अ स्टैग, इज कॉल्ड एज पेडीसेल। एबो द पेडीसेल देयर इज अ सोलन पार्ट इज कॉल्ड थैलामस और रेसेपेक्टाकल। द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर आर अटैच टू द थैलामस इन डिफरेंट लेयर। नाउ यू कैन सी डिफरेंट पार्ट अरेंज्ड इन लेयर्स कॉल्ड ओल। देयर आर फोर वर्ल्ड इन अ फ्लावर। वन सेपल, सेकेंड पेटल्स, थर्ड स्टैमेन एंड फोर्थ पेस्टिल। ये जो फ्लावर है वो किसका फ्लावर है? हिबिस्कस का। ये जो रेड कलर है इसका सेप्स और उसकी साइज भी डिफरेंट है, इसकी वजह से प्लांट अट्रैक्टिव दिखता है। यहाँ पे मैं दो पेटल्स निकालती हूँ ताकि आपको पूरा पार्ट दिखाई दे फ्लावर का। नाउ ऑल ऑफ द फ्लावर, नंबर वन हम देखेंगे सेपल्स। ए सेपल्स है। सेपल्स आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द फ्लावर एंड फॉर्म द फर्स्ट वर्ल्स ऑन इट। दे आर यूजुअल ग्रीन इन कलर। दे प्रोटेक्ट अदर पार्ट ड्यूरिंग दैट बर्ड स्टेज। दे प्रोटेक्ट अदर पार्ट ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज लाइक दैट। समटाइम्स दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पेटल्स। पेटल्स को हम कोरोला भी कहते हैं। पेटल्स आर द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। दे आर larger and form of the second ovules of a flower. They are in different shapes and different colors. Some of them also have pleasant scent. Petals attract insect for pollination. जो petals होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? Colorful होते हैं। Petals जो है वो large and second ovules of flower है। दे डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कलर्स होते हैं। सम ऑफ देम प्लेसेंट सेंट्स है वो। पेटल्स क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट स्टैमेन। स्टैमेन को हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। स्टैमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट फॉर्म दैट द ओल्स ऑफ द फ्लावर। पर्टिकुलर दिखाती हूँ। ए फिलामेंट है और ये एंथर्स है। इट हैज टू पार्ट विच एंथर्स एंड फिलामेंट। एंथर्स एंड द एंथर मेक्स एंड स्टोर द पोलन दैट कंटेन्स मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ये जो येलो कलर के गिर गया है वो पोलन ग्रेन्स है। फिलामेंट्स इज द लॉन्ग स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड द एंथर्स। The size, shape, number and the arrangement of stamen will vary in different flowers. Next,
पिस्टल, पिस्टल को हम गाइनोशियम कहते हैं। पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट हैज द इंटरमोस्ट ओरल्स ऑफ द फ्लावर। अ पिस्टल इज मेड ऑफ टू और थ्री कार्पेटल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। अ कार्पेटल्स हैज थ्री पार्ट्स। विच थ्री पार्ट्स? वन इज अ स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप एंड रिसीव पोलेन। ये जो येलो कलर के गिर गए हैं वो यहाँ पे रिसीव करता है स्टिग्मा। द ओवरी इज द शोलेन पार्ट प्रेजेंट एट द बेस, बेस पे है ये। इट कंटेन्स ओविल्स दैट हैज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओविल्स will further develop into seeds। ये जो स्टाइल है वो पूरी लॉन्ग ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक है। इट joins to stigma and ओवरी। ये जो स्टाइल है वो ओवरी से स्टिग्मा तक लॉन्ग है। लाइक स्टैमेन द साइज शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ कार्पेल्स इन डिफरेंट फॉर्म। कार्पेल्स will be at the center of the flower with the stamens around it। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब किया है तो वो जो बाजू का बेल आइकॉन है उसे ऑल रखो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।